जय हिंद प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को बता दें, इंडियन आर्मी की तरफ से आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उसी के बारे में आप सभी को पूरी अपडेट मिलने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, indianarmy.nic.in, और यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया, उसके बारे में पूरी अपडेट आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी में जीडी की तैयारी कर रहे हैं यानी जनरल ड्यूटी की, तो आपको यहाँ पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आर्मी की जीडी की तैयारी करने जो रैली भर्ती वाले कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर जाके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है, एडवर्टाइजमेंट इसका जो है वो जारी कर दिया गया। और आप सभी को बता दें, इसके जो फॉर्म है वो आप सभी को ऑफलाइन भरने होंगे, और 17 मार्च से इसके ऑफलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, जो कि आप सभी को 15 अप्रैल तक भेजना होगा। एक महीने का समय आप सभी को यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जबलपुर एमपी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो पोस्ट भी यहाँ पे नीचे आप सभी को बता दी गई है। और क्लियर आप सभी को बता दूँ, इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिसके लिए आपको आईटीआई वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, केवल 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलिए डिटेल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें पहली जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी कुक, सेकेंड पोस्ट आपकी टेलर की, थर्ड पोस्ट आपकी वार्वर की, और नंबर फोर्थ आपकी जो पोस्ट है वो रेंज चौकीदार की है, और लास्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी सफाई वाला की। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 9 पोस्ट इसकी दी गई है, 10, 11 एंड 12 और 2, 14, टोटल आपकी 14 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो कुक की हैं, जिसके लिए केवल आप 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की कुछ चीज़ें हैं वो भी आप सभी को इस क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। नंबर फोर पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। तो नंबर ए पे जो पोस्ट दी गई थी कुक, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हैं या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को एक नॉलेज होनी चाहिए कुकिंग की, इंडियन कुकिंग की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको सर्टिफिकेट या आईटीआई सर्टिफिकेट या किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नंबर सेकंड जो पोस्ट आती है वो टेलर की, इसमें आपको आईटीआई चाहिए और 10th पास आप होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सी पे जो बार्बर की पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास आपके पास होनी चाहिए और आपके पास बार्बर में आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। और साथ ही में जो रैंक चौकीदार रहेगा, इसके लिए भी आप सभी को 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा 10th पास के साथ साथ। और साथ ही में आपका जो सफाई वाली पोस्ट जो रखी गई है, इसके लिए भी 10th पास आपका होने चाहिए और यहाँ पे भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जबकि आपकी जो कुक वाली पोस्ट है, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा गया है, सिंपल 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एज लिमिट देख लेते हैं। तो जो आपकी एज लिमिट रहेगी जनरल कैंडिडेट की, 18 से 25 साल रहेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 28 साल रहेगी। एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकेप के लिए भी कुछ यहां पे एज रिलैक्सेशन और उसके बारे में बताया गया, तो वो भी यहां पे आप देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके बारे में भी दिया गया है। अभी को बता दें कि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 15 अप्रैल रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी एज काउंट की जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपकी एज कितनी हो रही है। नंबर 6 पे आप सभी को बताया गया है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कहाँ पे भेजना है। तो सबसे ऊपर जो आपका एनवलप होगा, लिफाफा होगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट हो, कुक की हो, टेलर की हो, वार्वर की हो, सफाई वाला या चौकीदार, वो यहाँ पे अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन जरूर करनी है, जिससे कि आप सभी को दिक्कत ना हो और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसकी जो डेट है वो है 17 मार्च को जारी किया गया। तो 15 अप्रैल तक आपको ये जो फॉर्म होगा, द कमांडेंट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर MP, पिन दिया गया 48-20-01, इस वाले एड्रेस पे आपको जो फॉर्म होगा भर के भेजना होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप सभी को बता दी गई हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, द सर्कुलर डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो 15 अप्रैल से आपकी जो 15 अप्रैल लास्ट डेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी, जो एज मैंने आप सभी को बता दी।
कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप सभी को यहाँ पे भेजने होंगे, और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सभी सेल्फ अटेस्टेड आप सभी को भेजने हैं। और यहाँ पे आप सभी को बता दें, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस इन द ट्रेड वेयर एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल वी प्रोड्यूस अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जिस पोस्ट में डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके लिए सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी के जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उन सबकी फोटो कॉपी लगानी है और सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो डली सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे आप सभी को भेजना है, और इसमें से एक जो आप सभी को रहेगा, एक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपका के भेजना है, और दो फोटो सेल्फ अटेस्टेड इसके साथ आप सभी को भेजने हैं, और एक आपको एप्लीकेशन एंड द अनदर ऑन एडमिट कार्ड। तो दो फोटो आप सभी को लगाने हैं, एक तो आपका फॉर्म पे हो जाएगा और एक आपका जो एडमिट कार्ड वाला इसी में दिया होता है वो भी आपको भरना होता है खुद से, उसके ऊपर आपको पेस्ट करना रहेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको रहेंगे सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे वो आप सभी को भेजना है, और यहाँ पे एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप होगा जो कि आपको अंदर डालना है, जिसपे आपके पोस्टल स्टाम्प लगे होने चाहिए। डाक जो टिकट होते हैं वो 25 रुपये की लगी होनी चाहिए, वो आपको अंदर रखना रहेगा, खाली लिफाफा रहेगा जिसमें आपका एडमिट कार्ड उधर से वापस आएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा, उसे सही से भरिएगा जिसमें आपका एड्रेस एकदम से क्लियर हो, और उस पर 25 रुपये के स्टाम्प लगाना मत भूलिएगा। साथ ही मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके जो पूरे इंस्ट्रक्शन है वो जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिल करके आप भेज सकते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना होगा सेल्फ अटेस्टेड, बाकी की जो आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी वो यहाँ पे आप सभी से मांगी गई हैं। जो भी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया तो वर्क एक्सपीरियंस आप सभी को भरना रहेगा, बाकी की आपकी पर्सनल डिटेल है, बाकी कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। नीचे आप देखेंगे फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, तो जब आप सभी को ये एडमिट कार्ड भी अपना भरना रहेगा तो यहाँ पे फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली जो ये वाले 6 ऑप्शन है ये आप सभी को नहीं भरने, इसे छोड़ दीजिएगा। नीचे जो आपको एडमिट कार्ड वाला ये जो नीचे, इससे नीचे आपको जो दिख रहा है वो आप सभी को यहाँ पे जैसे नेम होगा, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, और ये जो आपका एड्रेस रहेगा नंबर 5 पे, ये यहाँ तक आप सभी को भरना है। नंबर जो 5 आपको पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट आपको भरने, उससे नीचे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये पॉइंट आपको नहीं बनने। 6, 7, 8 एंड 9 नंबर के जो पॉइंट है वो आप सभी को नहीं बनने। इस पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको चिपकाना है, कलर्ड रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए वो लगाना है। बाकी का जो ये 6 पॉइंट ऊपर दे रखे हैं वो नहीं बनने, और नीचे 6 से लेकर 9 तक के ये पॉइंट आपको नहीं बनने। बाकी का पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। आई होप सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सभी को बता दें फिलहाल के टाइम में जितनी वैकेंसी आ रही है आपको फॉर्म अप्लाई करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह आपको नहीं देनी, मुश्किल से 40-50 रुपये आपके जाएंगे। और लग वाली भी बात होती है और मेहनत वाली दोनों चीज़ें होती हैं, और हो सकता है कि जब आप दुनिया में घूम रहे हो, हज़ारों में जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई हो और उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बिना टेंशन के बस आप फॉर्म अप्लाई करिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो और इन फ्यूचर भी अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाले नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। प्यारे साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।